उनका दर्द इतने दिन से था, वो एक शब्द नहीं बोल रहे थे, इस पर किसी की नजर नहीं जा रही है। बोली एक बात बताऊं, वो माँ से अपने गले मिलके बोल रहे थे ना, ऐसा नहीं है कि हम लोग भी सबने देखा है। हाँ। वो जो दर्द भावुक हुआ है ना, वो सच्चाई की चीख थी। किसी को इतना परेशान मत करो कि आने वाले में तुम्हारे सल्तनत ही मिटा के रख दे। कश्यप की जो वीडियो वायरल हुई है, क्या लग रहा है कि जनता पे कितना असर जाने वाला इस वीडियो? मुझे तो बुरा लगा, मैं जनता हूँ। अब बाकी माइक घुमा के पूछ लो आप, किस किस को बुरा लगा? समर्थन करता हूँ बिल्कुल, और उसके लिए गर्दन भी कटवा सकता हूँ। आने वाले टाइम में बिहार का तूफान है, ये इन सबको ऐसी आंधी में उखाड़ के फेंकेगा कि ये कहीं भी नहीं टिकेंगे। देर है अंधेर नहीं है, मनीष के सब हीरो है देश का, और छूटेगा एक दिन। मनीष कश्यप की अभी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। सबसे पहले मेरा यही सवाल है कि उस वायरल वीडियो को देखकर आपके मन में क्या आया? मेरे को तो यही लग रहा है कि एक बेचारा जो आदमी पूरे बिहार के गौरव भविष्य के लिए और बिहार के लोगों के प्रगति के लिए जो आदमी लड़ रहा था, उस आदमी का बार बार उसको दबाने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं एक बात बता देना चाह रहा हूँ, ये कुछ दिन का इनका हलवा मिठाई है। बिहार की जनता इतनी उल्लू नहीं है, मैं थोड़ा सा टाइम आप लीजिए, जिस दिन जात बिरादरी से हमारी बिहार की जनता उठ गई ना, उसको समझ में आ जाएगा कि मनीष कश्यप भाई अपने क्या कर रहे हैं। मनीष कश्यप ने सिर्फ एक बात कह दी, गर्व से कह दिया कि मैं फौजी का बेटा हूँ, मैं चारा चोर का नहीं हूँ, किसी का नाम नहीं लिया। तब से बवाल मच रहा, लगातार लोग मनीष कश्यप को फिर से टारगेट कर रहे हैं। तो चोर को अपनी बात कोई हजम होती है? आप मैं अब चोरी कर ली आपके घर से, आप बीच बाजार में बोल दो कि मैंने अपने घर के सोना चांदी लूटा हूँ, तो आप गुस्सा नहीं करोगी? तो मिर्ची उसी को लगती है जो गलत है। अब एक बात बताओ, आपने क्या घोटाला नहीं किया? क्या कोर्ट ने आपको इसके लिए सजा नहीं दिया? क्या सारी गवर्नमेंट जहाँ जहाँ आपका गैप ऐसी हुआ है, वहाँ क्या आप गलत साबित नहीं हुए? ऐसा होता कि आपने कोई काम नहीं किया है? जो आदमी सही चीज बोला, लेबर के लिए भी जो हुआ जिसपे एनएसए लगाया गया है, कल तक चिराग पासवान जी ने बोला था, तो उनके ऊपर तो कोई एक्शन नहीं हुआ। दिस मीन्स आप ये स्टेटमेंट पास करना चाहते हो ना कि जो लोग पॉलिटिकल पार्टी से मिले जुले लोग हैं उनका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो लोग निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर इस राष्ट्र और अपने स्टेट के लिए लड़ रहा है, उन लोगों को आप अंदर डाल दो, और ऐसा अंदर डालो कि उसका निकलना मुश्किल कर दिया। जो उनका दर्द इतने दिन से था, वो एक शब्द नहीं बोल रहे थे, इस पर किसी की नजर नहीं जा रही है। बोले एक बात बताऊं, वो माँ से अपने गले मिलके बोल रहे थे ना, ऐसा नहीं है कि हम लोग भी सबने देखा है। हाँ। वो जो दर्द भावुक हुआ है ना, वो सच्चाई की चीख थी। हाँ। तुम कर लो, एक होता है ना, किसी को इतना परेशान मत करो कि आने वाले में तुम्हारे सल्तनत ही मिटा के रख दे। हाँ। मैं एक बात बता रहा हूँ, उस आदमी को जितना ही टॉर्चर कर रहे हैं ना, आने वाले में एक एक सीटों के लिए तरस जाएंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ। यहाँ तक कह दिया कि मेरी माँ रो रही है, लेकिन मैं लाखों माँ का आंसू पोंछ दूंगा, रोने नहीं दूंगा। हाँ, तो उन माओं के लाल भी देख रहे हैं, हम भी छपरा जिला के हैं, हम भी देख लिए हैं, और उस आंदोलन में हम लोग भी कूदेंगे जब वक्त आएगा। और एक बात बता दे रहा हूँ, गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि अब बस करो यार, पॉलिटिक्स की भी एक लिमिटेशन होती है। अगर कोई आदमी राष्ट्र के निर्माण और अपने स्टेट के लिए लड़ रहा है और सही बात बोल रहा है, तो एटलीस्ट यू शुड सपोर्ट दैट मैन यार। किसी को अपना दर्द बताने का भी हक नहीं है क्या आज के टाइम में, या फिर बस बिहार में? नहीं देखिए, कहने की इनकी बात बिल्कुल सही है। अगर बिहार ऑलरेडी इतना डेवलप होता, मैं आईटी सेक्टर्स होते, तरह तरह के इंस्टीट्यूट्स होते जहाँ पर एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलती, तो नो डाउट जो बिहार के लोग हैं वो माइग्रेट नहीं करते अलग अलग स्टेट्स में। मनीष कश्यप के लिए क्या बोलेगा? इज फाइटिंग फॉर बिहार। हाँ, वो मुझे पता है, दैट आई एग्री। ये आदमी आने वाले टाइम में बिहार का तूफान है, ये इन सबको ऐसी आंधी में उखाड़ के फेंकेगा कि ये कहीं भी नहीं टिकेंगे। आप उस आदमी को इसीलिए भविष्य देख लिए है ना, कि आने वाले टाइम में इसकी जो फैन बेस है, जो पॉपुलैरिटी है, जो खुल के बोलने का अंदाज है, जो राष्ट्र तो छोड़ो अपने स्टेट के लिए जो प्रेम है, उससे डर रहे हैं कि इनका घोटाला नहीं हो पाएगा। एक सवाल आपसे मेरा है कि मणिपुर मामले में तीन पत्रकार जो दोषी हुए थे, गलत न्यूज फैलाने के जो दोषी हुए थे, उनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दी, ठीक है, और मनीष कश्यप के ऊपर आज भी एनएसए लगा हुआ है। सुनिए ना, एक बात बताऊं आपको, कि जो लोग खुलेआम आपको वो किए गलत फैलाए उनको आप छोड़ दिए, और जो लोग सही चीज के लिए लड़ रहे, इस देश में सच्ची तो हजम करना गलत बात है, सच्ची तो लोगों को नहीं घुटा रहा है, इसीलिए तो मनीष कश्यप का ये बैंड बजाए हैं, लेकिन इनका बैंड ज्यादा दिन नहीं बजेगा। मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी आदमी देख रहा हूँ, मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का देख रहा है, कि थोड़ा सा उस आदमी के लिए उठ के आओ, बोलने से नहीं होता है, ग्राउंड लेवल पे करो उनके लिए और उनको छुड़वाने का प्रबंध कराओ। कोर्ट ने जो है, सुप्रीम कोर्ट ने तीन पत्रकारों को छोड़ दिया, फिर मनीष कश्यप के लिए ये ऐसा कानून क्यों? सेम इसमें स्टेटमेंट, वही सेम चीज आंसर बोलूंगा, क्योंकि उनको डर है कि आदमी आने वाले टाइम में हमारे लिए खतरा है, और राष्ट्र एक जननायक बन चुका है वो। अभी फिर से मजदूरों को मारा गया है बिहार के, और बकायदा प्रूफ के साथ वो बहुत सारे वीडियो में दिखा भी रहे उनको चोट आई है।
मनीष कश्यप जेल के अंदर से भी इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। इज इनसाइड द सेल और आप बोल रहे हो कि उसका प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है, कोई गांजा फेंक रहा है, कोई ये कर रहा है, तो गांजा कहाँ से आ रहा है? मैं ये बताओ, आप तो नशा मुक्ति की बात करते हो तो जेल के अंदर गांजा कहाँ से आ रहा है? हीरो बनते हो, छपरा उपरा इधर से घुस के बलिया में दारू पी के घुस जाते हो, बोलते नशा मुक्त हो रहा है, बेवकूफ बनाते हैं, और महंगा हो गया वहाँ पे। मनीष कश्यप की जो वीडियो वायरल हुई है, क्या लग रहा है कि जनता पे कितना असर जाने वाला इस वीडियो? मुझे तो बुरा लगा, मैं जनता हूँ, अब बाकी मैं घुमा के पूछ लो आप किस किस को बुरा लगा। समर्थन करता हूँ, बिल्कुल मेरी बात सुनो, ये लालू यादव का लड़का है ना, इसके जमानत जब्त होने वाली है। मनीष कश्यप का जो वीडियो वायरल हुआ ना, बिहार का चुनाव होगा, मनीष कश्यप चीफ मिनिस्टर बनेगा, बन जाएगा। हाँ, एक मिनट, समर्थन देता हूँ और उसके लिए गर्दन भी कटवा सकता हूँ मनीष कश्यप के लिए। समय का इंतजार करो, जो जितना तरपा रहा है ना वो उतना तरपेगा आने वाले टाइम में। और कितना दिन जेल में रहना है? छूटेंगे, भगवान राम की कृपा से सब छूटेंगे और पब्लिक का पूरा सहयोग है। देर है, अंधेर नहीं है, ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। मनीष के सब हीरो है देश का और छूटेगा एक दिन। तो देखिए, मनीष कश्यप को लेकर के लगातार लोगों का समर्थन मिलता रहता है और दिल्ली की जो जनता है वो खुल के बता दी है कि मनीष कश्यप के लिए इनके दिल में कितना प्यार है। हालांकि आप क्या बोलेंगे कमेंट सेक्शन में जाके हमें जरूर बताइएगा, आगे आपको ऐसी जानकारियां देते रहेंगे। बहुत प्यार करते हैं मनीष।